शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। क्या आप शेयर मार्केट में नए हैं? हर दिन शेयर मार्केट के न्यूज देखते हैं और शेयर प्राइस का फ्लक्चुएशन देख के आपको ये लगता है कि कैसे इस उतर चढ़ाव से आप फायदा उठा सकते हैं। शायद आपके ऑफिस कॉलीग्स या दोस्त आपको कहते होंगे या इंसिस्ट करते होंगे, यार शेयर मार्केट में पैसा लगा के देख, क्या सेविंग्स अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट्स में पैसा को बैन कर रखा है? या तो आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड है शेयर मार्केट में घुसने के लिए और ज्यादा अर्निंग के लिए। आप सबके लिए ये ट्यूटोरियल बहुत बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इस ट्यूटोरियल के जरिए मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर शेयर मार्केट में पैसा लगाने का सही तरीका क्या है, कैसे आप लाखों के लॉस से भाग सकते हैं कुछ छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर। तो आइए पहले प्रो टिप की तरफ बढ़ते हैं। एंजल ब्रोकिंग शाउट आउट। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शेयर मार्केट के बारे में बहुत काम पता है, लेकिन उनको इतना जरूर पता है कि अगर काम समय में अच्छा खासा मुनाफा कमाना है लीगल तरीके से तो शेयर मार्केट उनका ओनली ऑप्शन है। ऐसे नए इन्वेस्टर्स को मैं ये बता दूं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा एक डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट बिल्कुल आपके बैंक अकाउंट जैसा होता है जिसमें आपके शेयर्स रहते हैं और इसके जरिए आप मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको घर बैठे अभी के अभी फ्री ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो मैंने नीच वीडियो डिस्क्रिप्शन पे एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया हुआ है / उस पे क्लिक कीजिए और आज ही आपका फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। एंजल ब्रोकिंग इंडिया का नो वन फुल सर्विस ब्रोकर है। यहाँ ब्रोकरेज भी सबसे कम है 20 इंडियन रुपीस पर ऑर्डर और यहाँ आपको सलून का एक्सपर्टीज एडवाइस के तौर पे मिलेगा जो आपके ट्रेडिंग को सेफ बनाएगा। टू FIR घर बैठ के आपके पैसों को काम पे लगा दीजिए और एंजल ब्रोकिंग के साथ अपना डीमैट अकाउंट आज ही ओपन कीजिए। वन डॉट शेयर मार्केट क्या है? स्पेस पहले आपको समझना पड़ेगा शेयर मार्केट क्या है और यहाँ क्या डील होता है। शेयर मार्केट में स्टॉक्स या इक्विटी का डील होता है। इक्विटी या शेयर्स का मतलब है प्रूफ ऑफ ओनरशिप। सीधे शब्दों में बोलूं तो आप जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं उसी कंपनी के फिट्स का हिस्सा अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको उस कंपनी के शेयर्स या स्टॉक्स खरीदने होंगे। इसको इक्विटी बोलते हैं। ये ट्रेडिंग कहाँ होता है? हर एक देश के अलग अलग एक्सचेंजेस होता है स्टॉक्स मार्केट ट्रेडिंग के लिए। इंडिया के सबसे बड़े एक्सचेंजेस नई BSE और NSE। एक्सचेंज का मतलब है बाजार। जैसे आप सब्जी खरीदने बाजार जाते हैं वैसे ही स्टॉक्स खरीदने के लिए आपको एक्सचेंज में जाना पड़ेगा। फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। स्टॉक्स का डीलिंग घर बैठे ऑनलाइन हो सकता है क्यों सारे एक्सचेंजेस ऑनलाइन है। आप पूछेंगे कि कौन से कंपनीज के स्टॉक्स आप खरीद सकते हैं? जवाब होगा कि वो कंपनीज जो स्टॉक मार्केट यानी एक्सचेंजेस में लिस्टेड है। लिस्टेड क्या है ये हम आपको नेक्स्ट स्टेप में बोलेंगे। तो आप फिलहाल समझ गए होंगे मेन पॉइंट। स्टॉक मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां आप अपने मनपसंद कंपनीज के स्टॉक्स को खरीद और बेच सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि कैसे आप ये काम कर सकते हैं। एक्सचेंज को एक्सेस करने के लिए क्या करना होगा? टू डॉट डीमैट अकाउंट। अगर आपको सेविंग्स अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट या करंट अकाउंट खोलना है तो आप बैंक में अकाउंट खोलना पड़ता है, मतलब बैंकिंग सिस्टम में अपने आप को रजिस्टर करना होता है। ये काम आप कोई भी बैंक से कर सकते हैं। ISI तरह शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। डीमैट अकाउंट वो गेटवे है जिसके जरिए आप शेयर्स को बाय / सेल कर सकते हैं अलग अलग एक्सचेंजेस में। डीमैट अकाउंट आपका सेविंग्स अकाउंट जैसा ही है, बस इसमें आपके पैसे के जगह शेयर्स रहते हैं। डीमैट अकाउंट भी आप अलग अलग ब्रोकर्स के जरिए खोल सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, ब्रोकर्स। 3. ऑनलाइन ब्रोकर्स। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खोलना जरूरी है। ये डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको ऑनलाइन ब्रोकर्स की हेल्प चाहिए होगी। इंडिया में 2000 के 1 अप्रैल से ऑनलाइन ब्रोकिंग चालू किया गया था। इसके बाद से सारे ब्रोकर्स ने ऑनलाइन ट्रेडिंग पे फोकस करना शुरू कर दिया।
2010 के बाद जब इंटरनेट का बूम हुआ, इंटरनेट स्पीड बढ़ने लगी तो धीरे धीरे फिजिकल ब्रोकिंग गायब होने लगा और ऑनलाइन ब्रोकिंग हाई प्राइमरी ब्लॉकिंग मैकेनिज्म के तरीके से ऊपर आया। इंडिया के टॉप ऑनलाइन ब्रोकर्स में से कुछ है एंजल ब्रोकिंग, जो इंडिया का नंबर वन फुल सर्विस ब्रोकर है। इसके अलावा ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, फाइव पैसा, ये भी इंडिया के टॉप डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स में से है। ये सारे ब्रोकर्स आपका डीमैट अकाउंट ऑनलाइन ओपन करने में आपकी हेल्प करते हैं। इनके सॉफ्टवेयर स्लैश इंटरफेस के जरिए आप FIR एक्सचेंजेस जैसे BSE, NSE में ट्रेडिंग कर पाते हैं। आपके दिमाग में ये सवाल जरूर होगा कि ये अलग अलग ब्रोकर्स से अकाउंट खोलने का रीजन क्या है। अगर सब एक ही तरीके के ब्रोकर है तो FIR किसी को भी चूज कर ले, क्या दिक्कत होगी? इसका जवाब मैं इन अगले पॉइंट में दूंगा। 4. फुल टाइम एंड डिस्काउंट ब्रोकर्स। जैसे अपने देखा कि मैंने कहा ब्रोकर्स दो तरीके के होते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर जैसे एंजल ब्रोकिंग, डिस्काउंट ब्रोकर जैसे ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, फाइव पैसा एंडसेट्रा, इन सब में ब्रोकरेज का रेट फिलहाल फ्लैट 20/ऑर्डर है। पर ऑर्डर मतलब आप बाय करो या सेल करो, आपको 20 इंडियन रुपीज दे देना है। फुल सर्विस ब्रोकर्स कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आपको देते हैं, जैसे स्पेशल एडवाइजरी, डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट, जो एक बिगिनर लेवल के इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है। फुल सर्विस ब्रोकर जैसे एंजल ब्रोकिंग के पास एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो दूसरे ब्रोकर्स के पास आपको नहीं मिलेगी, ये है रोबो एडवाइजरी। इंडिया पे पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपके पोर्टफोलियो को बिल्ड किया जाता है। जो बिगिनर लेवल के इन्वेस्टर है उनको पहले से इतना ज्यादा पता नहीं रहता कि कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। रोबो एडवाइजरी आपके सैलरी और एक्सपीरियंस और एज के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करता है। ये बिगिनर्स के लिए एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। 5. डाइवर्सिफाइंग योर इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपने पहले के सारे काम कर लिए हैं, डीमैट अकाउंट खोल लिया है अपने मन पसंद ब्रोकर के साथ, तो अब बारी है आपके इन्वेस्टमेंट करने की। बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन द सेम बास्केट। इसका मतलब है अपना सारा पैसा कभी भी एक कंपनी पे मत लगाएं। चाहे वो कंपनी कितना भी अच्छा हो, कितना भी वेल परफॉर्मिंग हो, लेकिन मार्केट में कभी भी इंस्टेबिलिटी आ सकती है। अगर आपका पैसा अलग अलग कंपनीज में लगा है तो अगर एक कंपनी लॉस किया तो आप दूसरी कंपनी के जरिए उसको मेकअप कर सकते हैं। इसलिए अलग अलग कंपनीज के बैर में जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके लिए बेहतर ये होगा कि अगर आप मार्केट किस तरीके की कंपनीज है उसका एक लिस्ट पहले तैयार कर लें। मार्केट में डिफरेंट डोमेन्स के कई कंपनीज है, जैसे 1. FMCG कंपनीज, 2. माइनिंग एंड मेटल कंपनीज, 3. कार कंपनीज, 4. ऑयल कंपनीज, 5. फार्मा कंपनीज, 6. हेल्थ केयर कंपनीज, 7. मिसलेनियस कंपनीज। इन्वेस्ट करने से पहले आपको इन टॉप डोमेन्स में परफॉर्म करने वाली टॉप कंपनीज का एक लिस्ट बनाना चाहिए। उस लिस्ट को आप रेगुलर अपडेट करें और है एक डोमेन में टॉप परफॉर्मर्स एंड वाइल्ड कार्ड जैसे क्लासिफिकेशन कर लें, तो आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस काफी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। इस तरीके से आप सही स्टॉक्स पे पैसा और टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंक्लूजन। इन सब के एंड में आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, शेयर मार्केट में पैसा लगाना टाइम पास नहीं है। अगर आप सीरियस इन्वेस्टर बन सकते हो तभी आप प्रॉफिट कमा पाएंगे, वरना भारी लॉस का सामना करना पड़ेगा। सीरियस इन्वेस्टर बनने के लिए आपको हर दिन सुबह पहले मार्केट रिलेटेड खबर को देखना और एनालाइज करना पड़ेगा, ताकि मार्केट के खुलने तक आप रेडी रहे आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के साथ। वाई एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे आपको इनसाइट्स आएगा। तब तक आप स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करते रहिए ताकि आपका लॉस ज्यादा ना हो, और सही ब्रोकर से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, क्योंकि ये स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है आपके प्रॉफिट और लॉस के बीच में।